हाँ भाई, तो क्या हाल चाल है? तो मेरे पास एक ड्रोन है जिसका नाम है मैविक मिनी। शायद आप में से कुछ को पता हो जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। तो उसे लिए हुए मुझे कोई हो गया है 2 से 3 महीने। तो ये वीडियो तो सबसे पहले बात की जाती है कि ये ड्रोन इतना मशहूर क्यों है। ये ड्रोन सबसे ज़्यादा मशहूर है अपने वज़न की वजह से, जो कि सबसे कम है इसका 249 ग्राम। लेकिन मैं जापान में जाते रहता हूँ तो ये मैंने ड्रोन वहाँ से लिया है, तो मुझे वहाँ से 199 ग्राम का मिला है। बाकी पूरी दुनिया में आप जहाँ से भी लेंगे आपको 249 ग्राम का मिलेगा, लेकिन जापान से सिर्फ आपको 199 ग्राम का मिलेगा। क्यों? क्योंकि जापान की पॉलिसीज़ में 200 ग्राम से जो ऊपर का ड्रोन होता है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में वहाँ पर आपको 249 मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो लिमिट होती है वो 250 ग्राम होती है। जैसे कि यहाँ ये देख लें। दूसरी तरफ अगर इसकी स्पेक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आता है इसके कैमरे का सेंसर। जो इसके कैमरे का सेंसर है वो है 1/2.3 सीमॉस सेंसर, और पिक्सल जो इसके कैमरे में वो हैं 12 मिलियन। 12 मिलियन पिक्सल्स हैं इसके कैमरे में, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड है वो 1/8000 ऑफ अ सेकेंड है, और वीडियो और फोटो में ये ISO सपोर्ट करता है 3200 तक। साइज़ के बाद जो सबसे अच्छी बात है इस ड्रोन की वो है इसकी वीडियो क्वालिटी, जो कि शूट करता है अप टू 2.7K एट 24 and 30 फ्रेम पर सेकेंड, और फुल HD शूट करता है 24, 30, 50 and 60 फ्रेम पर सेकेंड। और अगर इसके कैमरे की स्टेबलाइजेशन की बात की जाए तो इसके कैमरे में है 3x स्टेबलाइजेशन। अब तीसरी बात करते हैं जो कि है इस ड्रोन का फ्लाइट टाइम, यानी कि इसके बैटरी के बारे में बात करते हैं। इसकी जो बैटरी है वो है 2400 mAh की, और इसका जो फ्लाइट टाइम है वो है 30 मिनट्स। अगर आप इसके मूड्स चेंज करते रहते हैं फ्लाइट के दौरान तो ये 30 मिनट से कम होंगे, मतलब कि अगर आप पोजिशन मोड पर सिर्फ उड़ाते रहेंगे तो तब तक इनके हिसाब से जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है ये 30 मिनट उड़ेगा। वीडियो मोड्स की बात की जाए तो इसमें 3 वीडियो मोड्स हैं, एक सी मोड, एक एस मोड और एक पी मोड। सी मोड सिनेमैटिक मोड होता है, एस मोड होता है स्पोर्ट्स मोड होता है, और पी मोड पोजीशनिंग मोड होता है, जो कि नॉर्मल मोड भी कह सकते हैं आप। इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड होती है स्पोर्ट्स मोड पे, जो कि ऑलमोस्ट 49 km/h, ऑलमोस्ट 50 km आप कह सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड से कम जो इसकी स्पीड है वो होती है पोजीशनिंग मोड में। पोजीशनिंग मोड में ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड पर जा रहा होता है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल स्मूथ वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आपको इसे सी मोड पे करना पड़ेगा, उसे सिनेमाटोग्राफी मोड भी कहते हैं कुछ लोग। और ये ड्रोन बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है, क्योंकि DJI के बाकी ड्रोन जो हैं उनमें से कुछ वाटरप्रूफ हैं, लेकिन DJI Mavic Mini वाटरप्रूफ नहीं है। और ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत सूटेबल ड्रोन है। ये ऑलमोस्ट आपके, ये मेरे पास iPhone 7 है, ये ऑलमोस्ट इसके साइज़ का है। ये देखें, ये iPhone 7 है और ये ड्रोन है ऑलमोस्ट आपके फ़ोन के साइज़ का है, तो ये ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। और लास्ट पे हम बात करेंगे कि मैविक मिनी के इश्यूज़ क्या हैं। प्रोस तो मैंने आपको सारे बता दिए, अब इसके जो इश्यूज़ बताऊंगा जो कि मैंने 2-3 महीने में पिछले देखे हैं। मेन इश्यूज़ तो इसका ये होता है कि हैवी विंड में ये बिल्कुल नहीं चल सकता, और आप कभी रिस्क लेना ही ना हैवी विंड में चलाने का। और दूसरा इशू इसका ये है इसकी जो ट्रांसमिशन होती है, मतलब कि सिग्नल लॉस्ट हो जाता है, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है आप मैनुअली इसकी ट्रांसमिशन सेलेक्ट करें, जो सबसे कम आपको दिख रही है आपके जो आपने मोबाइल कनेक्ट किया होगा इसके ट्रांसमीटर रिमोट के साथ, वहाँ से आप मैनुअली सेलेक्ट करें, फिर ये बहुत बेहतर चल जाएगा। वैसे तो इसके रिमोट के साथ आपको अमेज़ोन पे कुछ वीडियोस मैंने देखी थी, वो रिकमेंड करते हैं एक और चीज़ होती है, वो आपके रिमोट के आगे लगती है तो आपकी जो रेंज होती है ड्रोन की वो बढ़ जाती है, लेकिन उसको लेने का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रांसमिशन ही मैनुअली सेलेक्ट करनी चाहिए। ऑल ओवर इट्स अ गुड ड्रोन, गुड फॉर बिगनर्स। मैं तो रिकमेंड करूँगा बिगनर्स को, क्योंकि रेट इसका कम है बाकी ड्रोन से। और अगर आप ये ड्रोन लेंगे, मतलब कि मैविक प्रो से पहले अगर आप मैविक मिनी लेते हैं तो आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाती है ड्रोन्स की, अगर आप न्यू हैं ड्रोन में। सो इट्स नॉट अ बैड ड्रोन, बट इट्स नॉट एक्सीलेंट, इट्स जस्ट गुड। तो ये था मेरे मैविक मिनी ड्रोन का रिव्यू। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मैंने कोई चीज़ इसमें मिस की है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता दें, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में बता दें।